पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नए आयाम देने का केंद्र बनने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आगाज से मुरादाबादी उद्यमी अभिभूत उठे। JBC में 1,500 करोड़ के धुआंधार निवेश के दम से मुरादाबाद के उद्यमियों का उत्साह नए फलक छू उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के जोशीले संबोधन ने उद्यमियों के आत्मविश्वास में नए पंख लगा दिए। उद्यमियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साह का इजहार किया। मौका था पंचायत भवन के सभागार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लाइव प्रसारण का, जिसे मुरादाबाद के उत्साहित उद्यमियों के साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने आकर्षक स्क्रीन पर देखा। JBC के नए भव्य उद्घाटन समारोह को लाइव देखने के लिए पंचायत भवन परिसर में इसकी शुरुआत से काफी पहले ही शहर के कई उद्यमी पहुंच गए। उद्योग विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संयुक्त आयुक्त योगेश कुमार समेत उद्योग विभाग का पूरा अमला तड़के से इसकी तैयारियों में लगा रहा। माननीय मोदी जी के द्वारा जो समिट हो रही है उसका शुभारंभ हुआ है आज, और बड़ा सौभाग्यशाली है हम इस प्रदेश में रहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेकर जो उद्योगपति सोचते भी थे वो काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ा इन 7 सालों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जब से माननीय योगी जी की सरकार इसमें आई है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे उद्योगपति या उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, और उसका शुभारम्भ हमारे माननीय मोदी जी ने आज किया है, तो बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। इसलिए जो विकसित भारत का जो राष्ट्र बनाने का सपना माननीय हमारे मोदी जी ने देखा है और हमारी जनता ने देखा है, उसकी शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश से होगी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश से जाती है। तो मैं समझता हूँ $1 बिलियन की जो हमारी इकोनॉमी का जो सपना देखा है हमारे उत्तर प्रदेश ने, तो वो जल्द पूरा होगा। तो इसके अलावा एक दो राजनीतिक सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, सर उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना मामला है। अभी तो कल तक तो समाजवादी में थे, और कब क्या कह दें, कब क्या कर दें, कोई पता नहीं चलता। अच्छा, अभी संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से लोकसभा चुनाव का बिगुल खोल दिया, क्या लगता है? देखिए, वो धार्मिक स्थल पर आए थे और महाराज ने बुलाया था उन्हें, क्योंकि कलगी धाम एक ऐसा स्थल है कि भविष्य में भगवान अब जो विष्णु का अवतार होगा वहाँ पर होगा। आज जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का चौथा था, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उद्घाटन किया, जिसके क्रम में जनपद मुरादाबाद में भी विभिन्न तहसीलों में और जनपद मुख्यालय पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुरादाबाद ज़िले से 192 MOU JBC रेडी हुए, जिसमें 13,760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सम्मिलित है। यानी हमारा जो टारगेट था 12,000 करोड़ का, उससे हम ऊपर निकले, और आगे कई इंटेंट इधर नए दाखिल हुए एक हफ्ते के बीच में, जो शीघ्र ही MOU में कन्वर्ट होकर JBC रेडी होने की संभावना है। यानी एक मोमेंटम बना है, जो मोमेंटम तेजी से मुरादाबाद का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाएगा। आप देखेंगे कि मुरादाबाद में कुछ दिन में रोजगार की एकदम बढ़ोतरी होगी, बाहर से जिलों से भी यहाँ पर रोजगार प्राप्त करेंगे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो दूर होगी, यहाँ के लोगों के चेहरे में खुशहाली आएगी। जब किसी ज़िले की तरक्की होती है, उस ज़िले की तरक्की में वहाँ रहने वालों की भी तरक्की निहित होती है। जब ज़िले की GDP बढ़ती है, GDP ज़िले में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो उसका लाभ केवल उसको ही नहीं मिलता है जो इन्वेस्टर है, उसके अलावा अन्य लोगों को भी मिलता है। क्योंकि मुरादाबाद में इस तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम बना है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में मुरादाबाद का इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, और यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर अपग्रेड होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा और चेहरे में मुस्कान आएगी। आज कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहे हैं, उनका किस तरह का प्रयास रहा और किन पर अधिकारी? आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय लोकसभा सदस्य रामपुर से थे, माननीय विधानसभा
सदस्य मुरादाबाद सदर श्री रितेश गुप्ता जी थे, माननीय जिलाधिकारी महोदय थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे, SSP साहब थे, मेयर साहब थे और कई जनप्रतिनिधि थे तथा विभिन्न निवेशक थे, उद्यमी थे, निर्यातक थे, हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, ये सभी की यहाँ पर सहभागिता रही। कुछ ने यहाँ पे जो बताया गया या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया जिले के औद्योगिक विकास पे उसको गौर से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।